सत्यम श्रेष्ठम पांडवम विप्रलापम तुल्यम चान्नम च भोज्यम सहाय। हे पांडुनंदन, व्यर्थ के बकवाद से रहित जब सत्य बोलना ही श्रेष्ठ है, अपने सहायक भाई बंधुओं के साथ बैठकर समान अन्न का भोजन करना चाहिए। यानी वही जीवन में सफल होगा जिसके अंदर बेईमानी नहीं है। विदुर कहते हैं, तुम्हारे हाथ में चार रोटी हैं और तुम चार भाई हो, तीन भले ही उस समय तुम्हारे पास नहीं है, धर्म यही है, तुम्हारे पास चार रोटी है तो चार को अकेले मत खाओ, उन तीन के लिए तीन निकाल के रख दो, तुम्हारे हिस्से की एक रोटी है, तुम्हारे अधिकार एक ही रोटी पर है, एक रोटी को खाइए। ऐसा व्यक्ति सदैव उन्नतशील रहता है, लेकिन ये गुण दुर्योधन में नहीं है, ये गुण पांडवों में। मेरी माताओं, तुम्हारे देखते देखते बच्चे बेईमानी पर तुले हैं और आप देख रहे हैं कुछ कर नहीं पा रहे। कभी छोटा बेईमान हो गया, कभी बड़ा बेईमान हो गया, कभी मंझला बेईमान हो गया, और तुम भी अंगूठा लगाने को पहुंच जाते हो हाल। तुम्हें एक लोटा दूध क्या पिला दिया है कि लगता है कि तुम्हें तो उसने खरीद के ही रख दिया है। एक लोटा दूध में अंगूठा कर देती हो, एक लोटा दूध में उसने भी तुम्हारी कुच्छी में पांव पसार। ऐसे बहुत घटना होती, बहुत घटना घट रही है। माता पिता की वजह से कुछ तो भूखों मर रहे हैं, कुछ माला माल हो गए। ऐसा क्यों होता है? नहीं हो, कभी नहीं हो। तुम तो मर के ऊपर चले जाओगे, आने वाले तुम्हारे नाती पोते तुम्हारे लिए गालियां निकालेंगे। ऐसा पक्षपात कभी भी मत करिए। महात्मा विदुर का इस प्रसंग में यही संदेश है। धृतराष्ट्र ने ऐसा ही किया। पांडु उनका भाई है, पांडु का कुछ अधिकार बनता था कि नहीं बनता? पांडु का अधिकार बनता तो आदि सत्ता के मालिक पांडव होते, लेकिन आगे आप सुनेंगे उन्हें तो पांच गांव भी देने को इनकार कर दिया था। ये कथा आगे की है। पांच गांव भी वो तो बोलता है बंदा, सोए की नौक बराबर जमीन भी नहीं दे पाऊंगा, और अंधा धृतराष्ट्र होठों में मुस्कुराता है शब्द सुन। तो ये कथा तो समाज के ऊपर है, और आज पहले एक धृतराष्ट्र, आज तो समाज में कितना ऐसा हो रहा है। कौन नहीं चाहता बच्चे अपने माता पिता के चरण छूने के लिए, वंदन करने के लिए, प्रणाम करने के लिए, लेकिन मम्मी पापा भी एक तरफा हो जाते हैं। बच्चे तरसते रहते हैं जीवन पर्यंत तुम्हारे दुलार के लिए, तुम्हारे लाड़ के लिए, तुम्हारे चरण छूने के लिए, और उनके हाथ तुम्हारे चरण तक पहुंच नहीं पाते कि क्योंकि तुम्हारा हृदय खाली हो गया है। तुम्हारे पास तो आशीर्वाद किसी एक के ही लिए रह गए, दूसरे के लिए तुम्हारे खजाने में आशीर्वाद है ही नहीं। धृतराष्ट्र मत बनिए। महात्मा विदुर की बात सुन लीजिए। ये महाभारत के द्वारा ये घर घर की कहानियां कही गई हैं, ये घर घर की बातें कही जा रही हैं।